11 मिनट कॉल करने के बावजूद फिर डिस्कनेक्ट हो गए। फिर जब मैं फोर्थ टाइम कॉल मिला रहा हूँ 4-5 मिनट के बाद, फिर कॉल कनेक्ट कराई इन्होंने, और 1912 वालों ने दो ऑप्शन दिए, एक तो जी आप कंसर्न जेई जो है उसको कॉल करो, उसको इन्फॉर्म करो, दूसरा एक व्हाट्सएप नंबर है जी हमारा, वो नोट करो, उस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डिटेल सेंड करो जो आपने बिल पे किया है। मतलब भाई मैं पेशे से वकील हूँ, आप मुझे लाइटली मत लो, सुबह से आप मुझे घुमा रहे हो। मैं अपने कोर्ट के से छोड़ के 12 मिनट 24 मिनट कॉल लगा के रखूं 1912 का, एक ड्रामा है यार ये। और सबसे बड़ी चीज है तुम्हारा पोर्टल किस तरीके का पोर्टल है, हफ्ता पहले मैं बिल पे करता हूँ और तुम्हारे पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ है, तुम फिर से मेरे से रिसिप्ट मांग रहे हो। लेट अस सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर मेरे बिल पे के वो रसीदें गुम हो गई होती, व्हाट्सएप डिलीट हो गया होता, स्क्रीनशॉट कहीं डिलीट हो गई, बैंक डिटेल फिर कब निकालता मैं, तब तक ये बिजली के बिना मुझे रखते, या इनका अपना रिकॉर्ड नहीं रहता, लोगों से ही रिकॉर्ड मांगे कि तुमने बिल पे किया। देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख अयाज हुसैन साहब। आज के समय में मैक्सिमम लोगों के घरों में जो है स्मार्ट मीटर्स लगे हुए हैं, और एडवोकेट शेख अयाज हुसैन साहब के घर में भी स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, और इन्होंने क्या कुछ एक्सपीरियंस किया और क्या वो एक्सपीरियंस आप लोगों ने भी किया है, आप भी अपनी राय सजेशंस कमेंट्स के जरिए जो है दे सकते हैं। शेख अयाज साहब से बात करते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ इन्होंने आज एक्सपीरियंस किया है। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज सुबह से ही जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि आपके घर में लाइट नहीं थी, और ऐसा भी नहीं है कि आपने बिल पे नहीं किया होगा, तो क्या पूरा मामला हुआ था और क्या कुछ एक्सपीरियंस किया आज आपने? बस भाई मैं आपके माध्यम से मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन को ये अवेयर करना चाहूँगा कि आपका जो स्मार्ट मीटर का ड्रामा है वो फेल हो चुका है। हमें लग रहा था कि स्मार्ट मीटर की वजह से हमें बिजली अच्छी तरीके से प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपके स्मार्ट मीटर लगने के बावजूद भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं आज दिन की आपको एक मिसाल एग्जांपल के तौर पे पेश करूंगा। आज सुबह 8 बजे मेरे घर की बिजली डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो मैंने जब देखा बाकी सबको लाइट थी, मेरे घर को लाइट नहीं थी, मैंने इमिडिएटली इन्फॉर्म किया मीटर रीडर को। मीटर रीडर ने कहा कि जनाब हमारे हाथ में कोई कुछ नहीं है, आपके वो एक टोल फ्री नंबर दिया जा रहा है 1912 पे, उस पर कॉल करें और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। तो एज पर डायरेक्शन ऑफ मीटर रीडर तो मैंने फौरन कॉल कर दी, 1912 बंद हो चुकी थी। 1912 पे जब मैंने कॉल किया जनाब, बड़े मजे की बात आपको ये दिखाऊंगा कि 12 मिनट कॉल वेटिंग में रखने के बावजूद कि अभी व्यस्त है, 12 मिनट के बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती। मैंने दोबारा से कॉल डायल किया क्योंकि मजबूरी थी, बिजली के बिना कैसे रहना था। दोबारा कॉल डायल करने के बाद फिर 12 मिनट वेटिंग रख के फिर डिस्कनेक्ट कर दी इन्होंने। तो फिर मैंने तक आधा पौना घंटा घंटा एक बीच में गैप दिया, फिर एक बार कॉल मिलाई, तीसरी बार भी 12 मिनट। ये आपको मैं कॉल डिटेल दिखाऊंगा, मैं ये देखें 1912 पे मैं कॉल कर रहा हूँ, 11 मिनट की कॉल, 11 मिनट कॉल करने के बावजूद फिर डिस्कनेक्ट हो गए। फिर जब मैं फोर्थ टाइम कॉल मिला रहा हूँ 4-5 मिनट के बाद, फिर कॉल कनेक्ट कराई इन्होंने, और 1912 वालों ने दो ऑप्शन दिए, एक तो जी आप कंसर्न जेई जो है उसको कॉल करो, उसको इन्फॉर्म करो, दूसरा एक व्हाट्सएप नंबर है जी हमारा, वो नोट करो, उस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डिटेल सेंड करो जो आपने बिल पे किया है। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि जून 2023 से जनवरी 2024 तक कोई बिल मेरे घर में ना आया, ना ही ऑनलाइन कहीं मैंने उसको पाया। जब 14 फरवरी को मैं ऑनलाइन अपने बिजली सहूलियत के लिए जो इन्होंने पोर्टल बनाया उस पर ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ, इन्होंने बिल मेरा दिखाया जनाब 23,956 रुपये, और इमिडिएटली जब मैंने देखा तो मैंने उसी टाइम पे कर दिया। ये मैंने जो पे किया हुआ बिल है 14 फरवरी का, वो स्क्रीनशॉट आपसे शेयर कर रहा हूँ कि उसी टाइम मैंने पे कर दिया। 7 महीने के बाद जब मैंने बिल दिखाया, मैंने कहा पे तो करना है, गवर्नमेंट का मसला है, तो मैंने इमिडिएटली पे कर दिया। लेकिन आज एक हफ्ते के बाद ये मेरी बिजली जब डिस्कनेक्ट करते हैं और मुझे बताया जा रहा है कि आपने बिल पे नहीं किया जी। मैं कहा जनाब मेरे पास रिकॉर्ड है सारा, मेरे पास बैंक डिटेल है, मैंने बिल पे किया हुआ है, हफ्ता हो गया बिल पे किया, पहले तो 7 महीने से तुमने बिल नहीं भेजा, अब जब भेजा मैंने इमिडिएटली उसी टाइम पे कर दिया, अब कैसे दोबारा दो बार पे करें। फिर वो व्हाट्सएप नंबर पे उन्होंने बोला जी आप अपनी डिटेल शेयर करो, और उनकी कहने के मुताबिक मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया जनाब, ये डिटेल भी मैंने प्रिंट निकाल के रखा हुआ है, ये देखा
ये व्हाट्सएप नंबर इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है और नीचे प्लीज रिस्टोर माय एलएक्सटी एज आई हैव पेड द बिल टिल, ये मैं लिख रहा हूँ और आगे से लिख भी रहे हैं, वी हैव फॉरवर्डेड योर रिसिप्ट टू योर कंसर्न्ड सब डिविजन। अब मैंने इनको बोला जनाब कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा वेट करो, सब डिविजन का कॉन्टेक्ट तो नहीं कि वो नहीं दे सकते हम। तो जेई साहब को मैं कॉन्टेक्ट करता हूँ, मैंने कहा जनाब इतनी देर से बिल पे करने के बावजूद ही बिजली नहीं है, मुझे मैं बड़ी मुश्किल का सामना कर पा रहा हूँ। उन्होंने एक पहले तो ये फोन ही नहीं उठाते, जेई साहब को भी 5-7 बार काले करने के बावजूद भी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उन्होंने बोला मैं आपको एक नूडल ऑफिसर का नंबर देता हूँ जी, नूडल ऑफिसर का नंबर जी व्हाट्सएप मैं टेक्स्ट मैसेज करता हूँ। ये देखिए मैंने ये 2:12:46 पे उससे चैट की, मैंने कहा जनाब नंबर सेंड करो मैं वेट कर रहा हूँ। लाइट कितने बजे कट हुई थी? सुबह 8 बजे की, 8 बजे से 12 बजे। और ये उनके साथ जब मैंने चैट किया फिर भी उनने कॉन्टेक्ट नंबर दी नहीं नूडल ऑफिसर को, फिर मैं बार बार कॉल करूं उनको फोन ही ना उठाए। फिर जनाब 3 बजे उन्होंने जब मैंने बार बार कॉल करके उनको तंग किया, 3 बजे नूडल ऑफिसर का नंबर सेंड किया, ये नूडल ऑफिसर का नंबर भी दिया हुआ पर टुडे, हाँ बिल्कुल 4529 348 पे आपको उन्होंने नंबर दिया है। एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ कंसर्न जेई मैंने नोडल ऑफिसर्स को फोन किया जनाब, 12 फोन मिलाने के बाद भी फोन ही नहीं उठाए। मतलब ये एक पब्लिक सर्वेंट है, जनता के नौकर हैं, वो नंबर पब्लिक को देते हैं लेकिन फोन उठाने का गवारा नहीं करते ये। फिर जब 4-5 बार काले करने के बाद भी फिर मेरी नोडल ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने बोला जनाब हम नोट कर रहे हैं, आप अपना वो आईडी नंबर दे दो हम रिस्टोर कराएंगे इसको। जनाब 6 बज गए, मैं कोर्ट से घर भी पहुंच गया, घर में चैम्बर में भी बैठा लेकिन लाइट रिस्टोर नहीं हुई। फिर मजबूरन मैंने थोड़ा सा दूसरी लैंग्वेज में बात की कंसर्न जेई और नूडल ऑफिसर के साथ, मैं कहा मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, सुबह से आप मुझे दरबदर कर रहे हो, आप कौन सी बात कर रहे, कौन सी लैंग्वेज समझते हो। फिर जाके जब मैंने दूसरी लैंग्वेज में बात की, इन्होंने फिर आधे घंटे में रिस्टोर करी मेरी। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक वकील के साथ तुम अगर ऐसे प्रिटेंड करते हो, ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हो, आम इंसान को क्या करते हो, इसका मतलब तुम्हारे हाथ में सब कुछ था, तुमने जानबूझ के नहीं किया। और सबसे बड़ी चीज है तुम्हारा पोर्टल किस तरीके का पोर्टल है, हफ्ता पहले मैं बिल पे करता हूँ और तुम्हारे पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ है, तुम फिर से मेरे से रिसिप्ट मांग रहे हो। लेट अस सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर मेरे बिल पे के वो रसीदें गुम हो गई होती, व्हाट्सएप डिलीट हो गया होता, स्क्रीनशॉट कहीं डिलीट हो गई है, बैंक डिटेल फिर कब निकालता मैं, तब तक ये बिजली के बिना मुझे रखते, या इनका अपना रिकॉर्ड नहीं रहता, लोगों से ही रिकॉर्ड मांगे तुमने बिल पे किया। बहुत सारे लोग तो ऑनलाइन पे करके बात खत्म कर देते, वो 6 महीने के बाद ये डिटेल मांगेंगे हमसे, हम कहाँ देंगे। ये सब कोई ड्रामा है इनका, इनकी जो ऑनलाइन सिस्टम है बिल्कुल फेल हो चुका है। डिजिटल इंडिया की बात तो करते हैं लेकिन इनकी सर्विस अगर देखी जाए 0 है। आप ट्रैफिक चलान की बात कर लो जनाब, ट्रैफिक चलान मेरे पास एज ए वकील में बात करो, मेरे पास लोग आए उन्होंने ऑनलाइन पे भी किया हुआ लेकिन फिर भी उधर से चलान पेंडिंग दिखाते। अच्छा मतलब यार तुम्हारा सिस्टम ही जब अपग्रेड नहीं है, तुम क्यों लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो ऑनलाइन पे करने के लिए, तुम पहले पुराना वाला सिस्टम रखो ना, आओ लाइन में लोगों हम पे करेंगे, बात खत्म, चल रहा था सिस्टम। जब तक तुम्हारा सिस्टम अपग्रेड नहीं होगा तब तक भी फैसिलिटीज नहीं दे सकते हो, फिर क्यों लोगों को बना रहे हो। लाइट कब आई आपकी? लाइट आई जनाब 7 बजे। अच्छा सुबह 8 बजे से लेकर एग्जैक्ट 11 घंटे के बाद मुझे लाइट रिस्टोर हुई इनस्पाइट ऑफ पेड बिल। आपके अड़ोस पड़ोस में सबको लाइट? सबको लाइट। आपने स्मार्ट मीटर लगवाया? आपकी ये गलती जनाब, ये बाहर खंबे पे लगे हुए हैं, आप देखें किस तरह स्मार्ट मीटर दौड़ रहे हैं। नहीं आपकी गलती है, गलती ये तो गलती ही है फिर हमारी, कुंडी डाली होती फिर नहीं कटती लाइट। अब मैंने तो ये सोचा था रात को अगर नहीं देंगे ये लाइट, मैंने मजबूरन फिर रात को कुंडी डालनी थी। मतलब मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ मैं क्या करता रात को, अगर इनका स्मार्ट मीटर नहीं चलता उसको तो मैं छेड़छाड़ कर नहीं सकता, व्हाट इज द ऑप्शन फॉर द पब्लिक, तो कुंडी डालेंगे या 10,000-20,000 का फटका लगा देते आपने कुंडी डाली, ये थोड़ी देखेंगे कि हमारी गलती हुई, हमारी गलती से इनको सफर करना पड़ा या हमने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। ये तो कंज्यूमर लूप होल्स है तुम्हारे, इतना बिल 24,000 बिल पे करने के बावजूद भी तुम सर्विस नहीं प्रोवाइड करोगे, उससे अच्छा वही 500 वाला बिल था हमारा। तो लाइट आने के बाद नोडल ऑफिसर ने या जेई ने आपसे कोई माफी या कुछ इस तरह का हुआ? नहीं कोई माफी नहीं, किस चीज की माफी मांगेंगे, कोई माफी नहीं मांगी। या तो बंदे को ये फील हो ना कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई है, मैंने इनका मैटर डिले किया, हमें इनको सर्विस प्रोवाइड करनी थी, कॉल करके एक सॉरी फील करें, वो भी नहीं। एक वो लास्ट में जब मैंने कहाँ से लाएंगे लोग इतना टाइम, जो मजदूर होगा जो पेशे से बिजी होगा वो कैसे टाइम निकालेंगे इनके वो वेटिंग कॉल करने के लिए, इसका मतलब तुमने एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट नहीं की है, वहां पे बंदे ही नहीं है, तुम्हें कॉल आती है 1,000 बंदों की, तुमने रखे 100 बंदे टोटल, 900 कॉल है तो वेटिंग रहेंगे। बिल्कुल
ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक ड्रामा है। मेरी मोहतबाना गुजारिश है एलजी से कि इसको इम्प्रूव करें। एलजी साहब, आपको दुनिया देख रही है, आप तो बड़े बड़े वादे करते हो, करोड़ों की बातें करते हो, इतने हजार करोड़, इतने सौ करोड़, जाता किधर है पैसा? तुम्हारा सिस्टम ही अपग्रेड नहीं है। चले, हम कोशिश करते हैं हमारी बात जो है नोडल ऑफिसर या जेई कंसर्न जो है उनसे हो सके और उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार पूरा मामला क्या था, क्यों इनकी लाइट जो है वो 11 घंटे तक जो है वो बंद रही है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे थे हमारी बात जो है नोडल ऑफिसर जो कंसर्न है यहाँ पे जिनसे अयाज साहब की बात हो रखी थी या जिनसे पूरा ये कम्युनिकेट कर रहे थे उनसे हो सके, लेकिन दो बार कॉल करने के बावजूद वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे। जो यहाँ पे कंसर्न जेई हैं उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कारण क्या थे, क्यों इनको 11 घंटे तक बिना बिजली के जो है रहना पड़ा। हेलो हेलो जी सर, नमस्कार। हाँ जी बोलिए। अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से। कहाँ से? मीडिया से बोल रहा हूँ, न्यूज़ सर इंडिया से। हाँ जी बताइए। जी सर, मैं ना अभी यहाँ पे अयाज शेख साहब के यहाँ पे चैम्बर में हूँ, एडवोकेट साहब के। ये कह रहे हैं कि मेरी लाइट जो है पिछले 11 घंटे से बंद थी और शाम को 7 बजे आई और मेरा बिल भी कोई पेंडिंग नहीं था। क्या पूरा कारण था, क्यों उनकी लाइट जो है कट की गई थी? सर, इनका बैलेंस कितना था कुछ बता सकते हैं? बताएं सर बैलेंस कितना। सर, मेरा बैलेंस था 23,956 रुपए, जो कि 14 फरवरी को मैंने पे किया हुआ है ऑनलाइन। 14 फरवरी को पेमेंट किया सर? उसके जो 23,000 रुपए पेमेंट थी आपकी, जो बैलेंस था वो एक ही महीने का था या मल्टीपल मंथ्स का था? वो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जून 2023 से फरवरी तक कोई बिल अपडेट नहीं हुआ मेरा। मैं बार बार आपके पोर्टल पे चेक करता रहा, लेकिन फाइनली 14 फरवरी को आपने बिल अपलोड किया, कट्ठे बिल सारा किया और कट्ठे मैंने पे कर दिया उसी टाइम। अच्छा, लेकिन आफ्टर 7 डेज। ये कौन से एरिया का है आपका कनेक्शन? ये प्रेम नगर जोई गेट। आपकी बात भी हुई थी? मेरी बात भी हुई है 2-3 बार दिन भर आप। सर, ये आईटी एंड से डिस्कनेक्शंस होती हैं। ये एक्चुअली फील्ड वालों को तो इसका नहीं ज्यादा पता होता, लेकिन आईटी एंड से डिस्कनेक्शन होती है वही ज्यादा बेटर बता पाएंगे सर आपको। नहीं, अभी लाइट आई है इनकी, शाम को 7 बजे आ गई है ना। मैंने फोन किया था आपके साथ, इनकी बात भी हुई थी। मतलब आप कंसर्न जेई हो यहाँ पे, आपको पता होगा क्या कारण क्या था, मतलब इनका क्या हुआ? बैलेंस की वजह से ही लाइट डिस्कनेक्शन होती है, और अगर बैलेंस 10-15 हजार से ऊपर हो तो वो डिस्कनेक्शन हो जाती है। अब जब इन्होंने पेमेंट की होगी, उनकी वो अपडेट नहीं हुई होगी सर्वर में इतनी जल्दी, तो इसलिए वो उसका रिकॉर्ड नहीं मिला होगा पेमेंट का और वो डिस्कनेक्ट हो गई होगी। अपडेट होने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि 13-14 दिन तो हो चुके हैं। जब आप पेमेंट करते हैं उसका नेक्स्ट हमारे पास फाइल आती है आईटी के पास एट द एंड ऑफ द मंथ बैंक से। अच्छा, फिर वो अपडेट होती है नेक्स्ट मंथ पे, वो अपडेट हो जाती है। जैसे मैंने अगर आज पेमेंट की है तो वो जब नेक्स्ट मंथ मेरे को फाइल आएगी उसमें अपडेटेड होगा वो। अच्छा, लेकिन इस मंथ में अपडेशन नहीं पता चलती है। फिर इनका लाइट कैसे आ गया और इनको फिर लाइट तो इन्होंने हमें फोन कर रहे थे ना, ये इन्होंने हमें फोन किया लास्ट में, ऐसा बात हुई इनकी, फिर इनकी लाइट रिकनेक्ट करवाई हमने आईटी को बोल के। अब दोबारा इनको रिस्क है, मतलब फिर से लाइट जा सकती है इनकी, कट सकती है? नहीं, अब नहीं कर सकते, हमने अपडेट कराया ना वहाँ पे। अच्छा, क्योंकि इन्होंने अगर हमारे ऑफिस में पहले भी रिसीप्ट भेजी होती ना तो हम उसको अपडेट कर देते, लेकिन इन्होंने शायद वहाँ पे भेजी नहीं होगी, इनको लगा ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट हो जाती है। जी साहब, इसका मतलब आपका सिस्टम का इतना अपडेटेड नहीं है कि जिस टाइम बिल पे करे बंदा वो उधर जनरेट आपके पास हो के हमें बिल पे करे। सर, वो तो आईटी वाले बता पाएंगे। देखो, हम हैं फील्ड के बंदे, हम फील्ड से रिलेटेड कोई पावर आपकी खराब रही होगी या कुछ रहा होगा वो हम आंसर कर सकते हैं। इसमें जितनी नॉलेज सर मेरे पास है मैंने आपको बता दिया कि वो सिस्टम एंड में अपडेट होता है, मंथ के एंड में रेवेन्यू। आधा एक घंटा लाइट कट हो मतलब इंसान बर्दाश्त कर लेता, लेकिन 11 घंटे लाइट कट हो मतलब कैसे इंसान बर्दाश्त करेगा? इन्होंने कस्टमर केयर पे फोन किया था क्या? बिल्कुल जनाब, 1912 है ना कस्टमर केयर। हाँ, और सर मेरे को जब अपने फोन किया उसके बाद पावर आ गया। जी साहब, आपकी नोटिस में लाऊंगा, उसमें मजे की बात यह है कि 12 मिनट का कॉल वेटिंग रखते हैं, 12 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट करते हैं। 36 मिनट मेरे वैसे वेट वेस्ट किया, फिर फोर्थ टाइम जब मैंने कॉल लगाई फिर 5वें। देखो सर, मैं समझ सकता हूँ सर आपको परेशानी हुई है, मैं ये बात अपने ऑफिसर्स तक पहुंचवा दूंगा, लेकिन आपको सोचिए कि मैं एक जेई लेवल का इंसान हूँ जो कस्टमर केयर पूरा डील करता है, हमारा आईटी सेंटर डील करता है। अब वहां तक मैं बात पहुंचवा दूंगा कि 12 मिनट तक कॉल होल्ड करने के बाद डिस्कनेक्शन हुई 2 बारी कॉल की। मैं आपको कॉन्फ्रेंस पे ये इसलिए ले रहा हूँ कि सिस्टम अपग्रेड हो, प्रॉपर डिफेक्ट पता चले है कहाँ पे।
हमें आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करनी है। नहीं, मैं सर, आपने नोट, आपने नोटिस किया होगा, जब आप अवेयर करेंगे आप अपने सिस्टम को अपग्रेड करेंगे। बिल्कुल, हम अपग्रेड, देखो सर, अपग्रेडेशन मेरे लेवल पे नहीं हो सकती, आपको भी पता है। अपग्रेडेशन सजेशन वगैरह प्रॉपर फील्ड में है। मैं वहाँ पर मैं आईटी वालों को बोलूंगा, एक तो जो है अपडेशन टाइम पे करो, ऊपर से ऐसे कॉल होल्ड मत करो, किसी कंप्लेंट आती है जनरली किसी ने पैसा भरा है तो उसके रिकनेक्शन इमीडिएटली होनी चाहिए। आपने जब मेरे से बात की उसके बाद आपकी पावर रिकनेक्ट हो गई ना टाइमली। सर आपको मैंने 12 बजे कॉल किया, 12 बजे उसके बोला मैं नोडल ऑफिसर का नंबर दूंगा, आपने 3 बजे नोडल ऑफिसर का नंबर दिया। मैं पूरा दिन आपको ट्राई करता रहा, कभी फोन नहीं लगता था, कभी आप बिजी होते थे। अब मुझे नहीं पता सर क्या कर सकते, आप मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। हाँ लास्ट टाइम आपकी मेरी बात हुई है 6 बजे के आसपास शायद ना। कंज्यूमर नहीं, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। ह्यूज अमाउंट है, सिर्फ उसके लिए सर्विस भी चाहिए हमें, हम तो डिमांड करेंगे। मैं बात आपकी भिजवा देता हूँ सर, ऊपर तक पहुँचवा देता हूँ बात। थैंक यू सो मच, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये कंसर्न यही थे सर, आखिर में क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? सर देखो, आपको बुला के ये बात अवेयर करने का सिर्फ मकसद ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन को पता चले भाई लूप होल्स कहाँ कहाँ। अगर आप जम्मू के डोगरों से इस टाइम पे इतना इतना बिल ले रहे हो, बदले में फैसिलिटीज क्या दे रहे हो? ये तो मैं पढ़ा लिखा इंसान था, मैंने कभी ये व्हाट्सएप पे, कभी इधर, कभी उधर, एक अनपढ़ बंदा जिसका कोई मोबाइल नंबर भी नहीं होगा वो कैसे करेगा फिर? बिल्कुल, उसको तो फिर आपको दिहाड़ी अपनी छोड़ के, मजदूरी छोड़ के दो दो तीन तीन दिन ऑफिस के चक्कर लगवाओगे, फिर भी काम नहीं बनेगा, वो बोलेंगे फिर ऑनलाइन ही करो। तो बिल्कुल ये तो तरीका नहीं ना है काम करने का। आप एक गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, हमें पीडीडी को छोटा सा डिपार्टमेंट नहीं है, आप उसके दो दो वाली वार्स करोगे, आधा प्राइवेट रखोगे आधा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग रखोगे, वो कैसे चलेगा? और आज इन्हीं के डिपार्टमेंट के बंदे एक मुझे बोल रहा है, जनाब दो दो भाप बनाए हुए हैं तो किस किस को बोले? मतलब क्या है कि एक प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वॉल्व है, प्राइवेट वाले गवर्नमेंट के लिए बोलते हैं, गवर्नमेंट वाले प्राइवेट के लिए बोल रहे हैं, तो कस्टमर किधर जाएगा? चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और आप सब जिन्होंने ये चीज़ देखी है, सुनी है, सारी बातें जय साहब से भी हमने बात की है, हालांकि नोडल ऑफिसर साहब जो हैं उन्होंने कॉल नहीं रिसीव किया है, आपने क्या कुछ एक्सपीरियंस किया है? आपकी भी अगर इस तरह की कोई समस्या आती है आप भी हमसे संपर्क कर सकते हो, हम एक माध्यम बनते हैं। ये जो परेशानियां लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, आज एडवोकेट साहब को जो है फेस करनी पड़ी है, एक आम शहरी के साथ क्या होता होगा, आप सबको अगर ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आती है आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के जरिए, और हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे जरिए आप अपनी बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा सकते हैं। इसी तक ही मजेद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ एयर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शानवाज के साथ।